अब उस सबका कोई मतलब है? हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है, ये कोई इम्पोर्टेंस है इस सब चीज़ का, कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा, वैसे चीज़ों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए, ऐसी चीज़ कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आज़ादी कब हुई? अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है तो कोई मतलब है? उन चीज़ों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए, और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था पूरे तौर पर। और आजकल तो पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई कुछ बोलेगा तो सोशल मीडिया पर लोग ही बोल देता है, कोई कहेगा कि आज़ादी कब नहीं हुई है, ये भला कहने की बात है? लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, हम ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते, हम सब पूछिए हम नोटिस ही नहीं लेते। ये तो उन्हीं से पूछिए, पूरा बताएंगे। इन सब चीज़ों पर क्या ज़रूरत है, चलिए इन लोगों का अपना अपना ढंग है सब लोग। अच्छा एक बात तो देख रहे हैं ना कि लोग कुछ बोल करके चर्चा में बना रहना चाहते हैं, काम में रुचि नहीं। हम लोगों को तो भाई काम में रुचि, जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म, हम उसी में लगे रहते हैं। और कुछ लोगों को, मैं कोई एक व्यक्ति विशेष की बात हम नहीं कर रहे, ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कुछ बयानबाजी करते रहो, पब्लिसिटी मिलते रहे। और कुछ लोग तो, अब उनके बारे में नहीं कह रहे, अब बिहार में देखिएगा तो कुछ लोग तो मेरे खिलाफ़ बोलता है ताकि उसको पब्लिसिटी मिले, उसको मालूम है जब मेरे खिलाफ़ बोलेगा तो पब्लिसिटी मिलेगी, तो ऐसा विचार होता है। लैंड करते ही स्कूल कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ आता है, तो सब लोगों का एक तौर तरीका है, उन सब पर ध्यान मत दीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में एक एक महीने डेढ़ डेढ़ महीने लग जा रहे हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि दीपावली से लेकर अभी तक जितने डेथ हुए हैं अकॉर्डिंग टू पुलिस, कोई शराबबंदी से डेथ हुई, मतलब लिकर से डेथ हुई, बिकॉज पोस्टमार्टम अभी तक आया ही नहीं। मैं हम लोग तो कल पूछेंगे, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी, चिंता मत करिए, एक एक चीज़ पर कल चर्चा होने वाली है, ठीक है? अब उस सबका कोई मतलब है? हमको तो आश्चर्य लगता है कि ऐसे लोगों की बात को भी कोई पब्लिश कैसे किया, इसकी पब्लिसिटी कोई कैसे किया है, ये कोई इम्पोर्टेंस है इस सब चीज़ का, कोई मतलब है क्या? अब व्यक्ति के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते कि कौन क्या बोलेगा, वैसे चीज़ों पर कोई नोटिस लेना चाहिए, कोई ध्यान भी देना चाहिए, ऐसी चीज़ कोई बात है क्या? कौन नहीं जानता कि आज़ादी कब हुई? अब किसी के मन में कोई बात होती है, कोई इस तरह की बात करता है तो कोई मतलब है? उन चीज़ों का तो जरा भी इम्पोर्टेंस देखना ही नहीं चाहिए, और बल्कि मजाक उड़ा देना चाहिए था। बहुत धन्यवाद।